बताएंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। श्रद्धालुओं को संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र, बंधन का त्यौहार अनंत चतुर्दशी, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अभी हम संक्षेप में अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा आपको बता देते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जुए में पांडव राजपाट हारकर जब जंगल में भटक रहे थे और कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी और उसी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हुए और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर कलश की स्थापना कर कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करना चाहिए और फिर शास्त्रानुसार भगवान अनंत के साथ साथ भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी का पर्व हिंदुओं के साथ साथ जैन समाज के लिए भी महत्वपूर्ण और कामनाओं से भरा है। जैन धर्म का 10 लक्षण पर्व का इस दिन समापन होता है। जैन अनुयायी शेनी की शोभा यात्रा निकालते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। तो धन्यवाद।